ठीक है, तो 1/√7 माइनस √7, इसको रेशनलाइज करना, डिनोमिनेटर को नीचे वाला को मतलब रेशनल बनाना, ठीक है। तो इसको सॉल्व करेंगे, क्या लिखा है, 1/√7 माइनस √6। तो हम लोग पहला क्वेश्चन में देखें कि जो चीज़ नीचे गुना में नीचे बटा के साथ नीचे में लिखेंगे और ऊपर में भी लिखेंगे, दोनों एक ही चीज़, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है सवाल पर, ठीक है। तो देखो यहाँ माइनस में लिखा है, तो हम लोग इसी चीज़ को प्लस में लिखेंगे। क्यों लिखेंगे इसको भी अभी हम बताते हैं, ठीक है। क्यों लिखेंगे, √7 प्लस √6, ये माइनस में लिखा था पूरा और ये प्लस में इसलिए लिखे ताकि ये माइनस ए माइनस बी ए प्लस बी के फॉर्मूला में टूट जाए, ऐसा लिखना कि हम लोग फार्मूला में आ जाए, ठीक है। ए प्लस बी, फिर ए माइनस बी का फार्मूला आप लोग जानते ही होंगे कि टोटल है ए माइनस बी की तरह इंटू ए प्लस बी की तरह, तो क्या ए स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर इसका होता है। तो इसको इस फॉर्म में लिखते हैं, तो क्या आ जाएगा, वन से इंटू करेंगे, वन से इंटू करेंगे तो √7 प्लस √6 होगा, बट्टा ये टोटल ए माइनस बी, ये ए प्लस बी, तो क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर के क्या जगह लिखेंगे, 7 का स्क्वायर माइनस बी के स्क्वायर √6 का स्क्वायर। तो अब मेरा क्या आ जाता है, देखते हैं, √7 प्लस √6 बाय 7 का √7 का स्क्वायर क्या होगा, 7 माइनस √6 का स्क्वायर क्या होगा, 6। तो आंसर मेरा क्या है, √7 प्लस √6 बाय 1 को लिखो या ना लिखो, तो ये मेरा आंसर आ गया। देखो रेशनल नीचे क्या था, डिनोमिनेटर में क्या था, माइनस √7 माइनस √6, तो इसको क्या हम ला दिए, 1 ला दिए, मतलब क्या नीचे मेरा क्या हो गया, रेशनल नंबर आ गया। इसमें था क्या, इरेशनल नंबर था, तो वही क्वेश्चन में पूछा था क्या, रेशनलाइज द डिनोमिनेटर, यानी डिनोमिनेटर जो नीचे वाला, ये नमरेटर है, ये डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर को रेशनल बनाना, तो हम लोग डिनोमिनेटर को क्या बना दिया, रेशनल। तो ये मेरा आंसर आ गया। अब तीसरा क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, तो ये देखिए क्वेश्चन है मेरा, 1/√5 प्लस √7, इसको हम लोग रेशनलाइज करना, क्या करना है, 1/√5 प्लस √2 इंटू, सेम चीज़ करना है इसी क्वेश्चन की तरह, जो पिछला क्वेश्चन दो नंबर बनाए थे उसी तरह, क्या लेना, √5 माइनस दे देना √2, ऊपर में भी क्या करना, √5 माइनस √2, जो चीज़ ऊपर में लिखे वही चीज़ बट्टा के साथ नीचे में लिखे, और यहाँ प्लस था तो माइनस में इसलिए लिखे ताकि मेरा ए प्लस बी ए माइनस बी का फॉर्मूला में टूट जाए, ठीक है। तो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, क्या आ जाता है, ये पूरा ए प्लस बी, ये पूरा ए माइनस बी है, तो ऊपर वाला गुना करते हैं, 1 के साथ गुना करेंगे कोई भी चीज़ वही लिखाएगा, √5 माइनस √2 होगा, फिर क्या है, ए प्लस बी ए माइनस बी के का फॉर्मूला में आ जाता है, ठीक है। तो इसको हम लोग लिखते हैं, ए प्लस बी ए माइनस बी का फॉर्मूला बताए थे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, तो ए की जगह √5 का स्क्वायर और माइनस बी की जगह √2 को स्क्वायर करेंगे, ठीक है। तो क्या आ जाता, √5 माइनस √2 बाय पाई, √5 का स्क्वायर क्या होता, 5, और √2 का स्क्वायर क्या हो जाता, 2। तो क्या आ जाता है मेरा आंसर, √5 माइनस √2 बाय 5 में से 2 जाएगा क्या बजे, 3, ये मेरा आंसर आएगा। अब देखने यहाँ बताइए, बराबर को हमेशा बट्टे के सामने में लिखा जाता है, ओरी बोरी लिखिएगा तो एग्जामिनर मार्क्स नहीं देगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर लेते, एक तो क्वेश्चन क्या है, 1/√7 माइनस टू, इसको भी रेशनलाइज करना है, जिस तरह तीसरा नंबर क्वेश्चन बनाए थे उसी तरह बनाना है, 1/√7 माइनस टू इंटू, क्या लिखेंगे, √7 यहाँ माइनस दिया तो हम लोग प्लस टू, वही चीज़ ऊपर में लिखेंगे, √7 प्लस टू, इसको इसलिए किए ताकि ए प्लस बी के फार्मूला में टूट जाए, तो क्या हुआ, इसको इससे गुना करेंगे तो वही आ जाएगा, √7 प्लस टू बाय ए माइनस बी और ए प्लस बी का फार्मूला में, ए प्लस बी ए माइनस बी और ये क्या है, ए प्लस बी, तो क्या हुआ था, क्या फार्मूला होता, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फार्मूला क्या, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता ना, तो इसके जगह क्या है, √7 का स्क्वायर लीजिए माइनस बी का स्क्वायर क्या है, बी की जगह क्या है, 2 है, तो 2 का स्क्वायर लिख दिए, सिंपल सा बनाना, फिर दिया √7 को उतार दिया प्लस 2 बटा
सात अंडर रूट सेवन का स्क्वायर क्या हो जाता, सेवन, और टू का स्क्वायर क्या हो जाता, फोर। अब इसका आंसर क्या हो गया मेरे पास, अंडर रूट सेवन प्लस टू बाय सेवन में से फोर, थ्री। तो ये मेरा आंसर आ गया। तो यहाँ तक तो सबको किसी को कोई दिक्कत नहीं है, ये हम लोग क्या किए फार्मूला में तोड़े, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और एक क्वेश्चन और बताएंगे जो कि कंपटीशन लेवल का है, जो कि एनसीईआरटी में शायद नहीं दिया, तो ठीक है अगला क्वेश्चन हम लोग लिखते हैं। एक क्वेश्चन है यहाँ पर, ठीक है, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी इफ़ रूट थ्री, इफ़ थ्री प्लस रूट टू बाय थ्री माइनस रूट टू बराबर ए प्लस बी अंडर रूट टू। ऐसा क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन कंपटीशन में आ सकता है, ठीक है। तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, देखिए कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो क्या है, थ्री प्लस रूट टू बाय थ्री माइनस रूट टू बराबर दिया है ए प्लस बी अंडर रूट टू। तो पहले हम लोग एल एच एस को लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड को पहले हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो इसको क्या करते हैं हम लोग, पहले नीचे वाला इरेशनल है तो इसको रेशनल कर लेंगे, ठीक है। तो क्या करते हैं, थ्री माइनस प्लस रूट टू, थ्री प्लस रूट टू, इसको इस तरह लिख लिए, इसको इस तरह, इसलिए ए माइनस बी ए प्लस बी के टर्म में आ गया। तो क्या लिखे हैं, और ये क्या है, थ्री प्लस रूट टू, थ्री प्लस रूट टू, यानी कि ये टोटल इस फॉर्म में आ गया, ए प्लस बी का होल स्क्वायर नीचे होगा और ए माइनस बी का, सॉरी ए माइनस बी, ए प्लस बी के फॉर्म में, ये ए प्लस बी के स्क्वायर में, ए प्लस बी का होल स्क्वायर के फॉर्म में ऊपर है और नीचे ए माइनस बी ए प्लस बी है, तो ठीक है। तो इसको थ्री प्लस रूट टू का स्क्वायर लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। फिर क्या है, ये ए माइनस बी ए प्लस बी, तो इसको क्या क्या लिख सकते हैं, इसका फार्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। तो इसको ए प्लस बी के होल स्क्वायर लिखेंगे, और इसको ए प्लस ए माइनस बी ए प्लस बी, तो इसका क्या ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में लिखेंगे, तो तीन की जगह तीन का स्क्वायर माइनस अंडर रूट टू का स्क्वायर लिखेंगे, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, ए प्लस बी के होल स्क्वायर के फॉर्म में इसको तोड़ेंगे, तो ए की जगह तीन है और बी की जगह अंडर रूट टू, तो ए का स्क्वायर यानी कि तीन का स्क्वायर प्लस टू ए बी, यानी टू इंटू थ्री ए इंटू बी अंडर रूट टू प्लस बी स्क्वायर यानी अंडर रूट टू का स्क्वायर, इसको इस प्रकार लिखेंगे। फिर नीचे क्या है, तीन का स्क्वायर नौ माइनस अंडर रूट टू का स्क्वायर क्या टू। अब क्या लिखेंगे, फिर आगे हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन को, थ्री का स्क्वायर क्या हुआ नाइन प्लस टू थ्री जै सिक्स अंडर रूट टू प्लस रूट टू का स्क्वायर क्या हो जाता टू होता बाय नाइन में से टू सेवन, ये मेरा हो गया नाइन और टू एलेवन प्लस सिक्स अंडर रूट टू बाय सेवन, ठीक है। ये मेरा लेफ्ट हैंड साइड दिया था ये क्वेश्चन में, एल एच एस बराबर ये दिया था, और ये बराबर क्या ए प्लस बी अंडर रूट टू, तो इतना बराबर क्या है, तो इसको हम लोग इस प्रकार लिख सकते हैं, ग्यारह बाय सेवन प्लस सिक्स रूट टू बाय सेवन, इसको इस तरह लिख सकते हैं। और देखिए यहाँ प्लस में क्या है, बराबर ये तो मेरा एल एच एस है, और क्या इसके बराबर में क्या दिया था क्वेश्चन में, देखिए इसको इसके बराबर क्वेश्चन में हम लोग क्या दिया था, ए प्लस बी अंडर रूट टू, ठीक है ये क्वेश्चन में थे। तो हम लोग पहले एल एच एस को सॉल्व किए, जो आया उसको बराबर ए प्लस बी रूट टू में लिख लेंगे। तो हम लोग सॉल्व किए, क्या आया 11 बटा 7 प्लस 6 रूट टू बाय सेवन, इसको बराबर में ए प्लस बी अंडर रूट टू लिख सकते हैं कि नहीं, लिख सकते हैं, ठीक है। तो उन्होंने लिखेंगे 11 बटा 7 प्लस 6 रूट टू बाय सेवन बराबर क्या दिया था ए प्लस बी अंडर रूट टू, तो ठीक है ए के जगह पर 11 ए बराबर 11 बटा 7 और बी बराबर क्या दिया मेरा बी बराबर क्या दिया सॉरी ए बराबर ये गया और बी अंडर रूट टू बराबर क्या सिक्स अंडर रूट टू बटा सेवन, तो बी का वैल्यू क्या हुआ ये अंडर रूट टू और ये अंडर रूट टू कट गया, अंडर रूट टू गुना के साथ
ये अंडर रूट टू और ये अंडर रूट टू कट जाएगा, तो सिक्स अंडर रूट टू बटा सेवन, ये देखिए अंडर रूट टू था ना यहाँ पर, तो ये अंडर रूट टू और ये अंडर रूट टू कट गया, तो क्या हो जाएगा बी बराबर सिक्स बटा सेवन। तो दोस्तों ए का वैल्यू ए बराबर ग्यारह बटा सात और बी का वैल्यू क्या होगा सिक्स बाय सेवन। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में काफ़ी मेहनत लगा, तो आप लोग से गुजारिश के चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक कीजिए और मन से पढ़िए।